The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि बहुत जल्दी थक जाना। बहुत जल्दी क्यों थक जाते हैं और काफ़ी समय से आप थके थके रह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को लग रहा है कि आप उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले कर सकते थे। द यूजुअल एक्टिविटीज़ आर आपके ऐसा लग रहा है जैसे आप बीमार हो, आप कमज़ोर हो, तो ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम? व्हाट इज़ सिस्टमिक एग्जर्शन इनटॉलरेंस? या सिस्टमिक एग्जर्शन इनटॉलरेंस इज अ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और इसका जो आपकी शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम इसको जानेंगे कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे, बाकी चीज़ों पे और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसा कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है, फलाना फलाना ढमकाना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इतना भी दिक्कत भी हो सकती है, कुछ लोगों को इतनी हैवी हो जाती है ये बीमारी कि आप बेड से भी नहीं उठ पाते। तो याद रखिए, आप इस चीज़ को समझने से पहले लाइक का बटन दबाते रहिए, इससे हमें पता चलता रहता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग सुन रहे हैं, राइट। लाइक के बटन दबाइए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। सो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन सिम्टम उसका है फटीग, मतलब कमज़ोर। फटीग भैया, फटीग सबसे कॉमन चीज़ है, सबको फटीग होती है, सब थक जाते हैं, काम करके थकते हैं, कोई डिहाइड्रेशन से थकता है, कोई नहीं सोया तो थकता है, कोई बस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से थकता है। मगर दो इस चीज़ की बीमारी का जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि ये जो फटीग है, इट इज़ नॉट गेटिंग बेटर विथ रेस्ट एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम। तो कोई बीमारी भी नहीं है आपको और आराम करने पे आपका जो थकान है वो जा भी नहीं रही है, क्या ये ऐसा कैसा? तो ये है ऐसा, ये है इसकी बीमारी, जो सबसे बड़ा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि थकान जा ही नहीं रही है, कुछ भी कर लो। उसके साथ और सिम्टम भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको थिंकिंग प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ में हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर। ठीक है बेटा, ले जा, मैं फ़ोन करूँगा, बोल देना, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ ये है, तो ये प्रॉब्लम्स हो गए। अब अल्टीमेट चीज़ का कारण क्या है? इसका कारण जो है कोई एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल पॉसिबल रीजंस हैं। मल्टीपल पॉसिबल रीजंस मनजे काय, क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, एक से ज़्यादा कारण हो सकता है आपकी इस क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के वजह से। वन ऑफ द रीज़न इज इन्फेक्शन, यस, पोस्ट, जैसे पोस्ट वायरल सिंड्रोम, वैसे किसी भी वायरस के वजह से दिक्कत हो सकती है। 10 में से एक पर्सन जिसको कुछ प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं उनको कभी कभी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो जा रहा है। कौन कौन से वायरस? एप्स्टीन बार वायरस, क्यू फीवर, या फिर ऐसे कोई, इवन कोरोना वायरस के वजह से भी फटीग हो रहा है। अब ये क्रोनिक में जाएगा कि नहीं जाएगा ये समय बताएगा, लेकिन है, इससे दिक्कत हो रही है। फिर इन्फेक्शन हो गया। सेकेंड इज इम्यून सिस्टम चेंजेस। अगर मान लो आपका बॉडी में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत बड़ा इलनेस आती है और इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आता है, देन इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, जैसे कोरोना में हो रहा है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। देन मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस अगर हो रहा है, अगर आपको मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू, बहुत हैवी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपके क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में। या फिर आपको हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज दिस एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉब्लम?
एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉब्लम का मतलब है, जैसे आप द वे योर सेल्स इन योर बॉडी गेट एनर्जी, वो अगर मान लीजिए सही से नहीं बन पा रही, मे बी कोई अंडरलाइंग डेफिशिएंसी है, कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपकी बॉडी उतनी एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पा रही जितनी करनी चाहिए, सो यू विल हैव क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसका एक जेनेटिक एस्पेक्ट भी है जो एक छोटा एक रोल प्ले करता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में है तो आपको भी हो सकता है। सो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हैज़ मैनी पॉसिबल रीजन्स। अब आगे अगर बात करते हैं, सो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है वो किसी को भी हो सकता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है वो 40 से 60 की उम्र के बीच में ज़्यादा कॉमन है, और ये वैसे तो बच्चे बूढ़े नौजवान किसी को भी हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा किसी को भी नहीं देखता है। यंग एडल्ट्स में विमेन को ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, और कुछ रेसेस में भी ये थोड़ा कॉमन पाया जाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोले तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा बहुत ज़्यादा फटीग, मतलब प्रोफाउंड बोलेंगे इसको, प्रोफाउंड फटीग फील होगा आपको। आपको फील होगा कि आपका सिम्टम जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के बाद या किसी मेंटल चैलेंज के बाद बढ़ जा रहे हैं। मेंटल चैलेंज अगर आपको कोई मिल रहा है तो उस मेंटल चैलेंज के बाद आपकी फटीग और ज़्यादा बढ़ जा रही है, मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी के बाद, और आपकी नींद अच्छे से नहीं आएगी, स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तीन मेन सिम्टम है आपके क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, नींद का वैसा ही थकावट, और फिजिकल या मेंटल कुछ भी करोगे तो उससे और ज़्यादा थक जाओगे, तीन सिम्टम। इसके अलावा आपको क्या इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ परसिस्टेंट रहनी चाहिए, ये प्रोफाउंड फटीग, इनेबल टू डू थिंग्स, एक्टिविटी कम होना, कम करना, बीमार जैसा लगना, एक्सट्रीम फटीग, नया होना चाहिए यानी कि सालों से है, और कम से कम 6 महीने तक रहना चाहिए। नंबर 3, इट इज़ नॉट ड्यू टू एक्चुअली इंटेंस एक्टिविटी, ये ना कि हम मैराथन में रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं और फिर थक गए तो बोले क्रोनिक फटीग, ऐसा नहीं है। फिर नींद से या रेस्ट से ठीक नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो क्रोनिक, और इतना सिवियर होना चाहिए कि आप और कोई एक्टिविटी ना कर पाओ, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप शॉपिंग करते हो कहीं पे, उसके बाद में आपको लगता है थक गया, बहुत शॉपिंग कर ली, सामान उठा लिया, ढो लिए, उसके बाद लगता है कि सो रहे, और आप उठ थोड़े देर बाद उठ के फिर काम करने लग गए, तो वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नहीं है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कब आएगा, क्यों आएगा, इसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप सो के भी उठ गए फिर भी थकान है, दैट कैन बी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो उसी को हमें मैनेज करना होता है कि भाई ये कोई किसी का क्रोनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं आ रहा, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखना होता है। उसके बाद जो सेकंड स्लीप इश्यूज जो आते हैं, उसका मतलब क्या है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्लीप, देन इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू फॉल अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप, देन इट माइट बी कि आपको थोड़े से ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं। ब्रेन के सिम्टम कैसे, मे बी यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कुछ चीज़ें भूल रहे हो, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आ रही, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, कुछ फॉलो करने में इशू आ रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ एकदम धुंधला धुंधला लग रहा है, अरे ये क्या हो, एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उठने बैठने से भी सिम्टम जो है वर्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस। ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस मतलब एकदम बैठे बैठे थे, खड़े हो गए कि चक्कर आने लग गया, दैट कैन बी ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग जब आपको हो रहा है। याद रखिए ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग कर रहे हो तो चक्कर आ रहे हैं तो बोलेंगे क्रोनिक फटीग, ऐसा नहीं है। सो देर हैज़ टू बी नो रीज़न फॉर दिस, अगर रीज़न है, ऑब्वियस रीज़न है, देन यू हैव टू करेक्ट दैट रीज़न। उसके अलावा आपको बहुत सारे और सिम्टम हो सकते हैं, जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, हेडेक्स, यू कैन हैव सोर थ्रोट, लिम्फ नोड्स इन द नेक, यू कैन हैव चिल्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एलर्जीज, सेंसिटिविटी टू फूड, नोज ऑर्डर, ओडर, स्मेल, ऐसी चीज़ें हो सकती है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए आपकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हेल्थ डॉक्टर जो आपका हेल्थ एस्पेक्ट को इवेलुएट करेंगे, आपके इन्फेक्शंस, बीमारियां, ड्रग यूज़, दवाई, कोई उल्टी सीधी दवा तो नहीं ले रहे, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है,
कोई एंडोक्राइन डिजीज़ तो नहीं है, थायराइड हाइपोथायराइड, कोई किडनी हार्ट लिवर डिजीज़ तो नहीं है, कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस तो नहीं है, कोई ऐसी डिप्रेशन तो नहीं है, कोई ट्यूमर टैमर तो नहीं है दिमाग में, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेबल रीज़न नहीं है, फिर भी फटीग है, एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉज फॉर लॉन्ग टर्म फटीग एंड यू हैव स्पेसिफिक सिम्टम्स विच इज़ एक्सट्रीम एंड लॉन्ग टर्म, देन यू आर क्रोनिक फटीग। उसमें फिर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, जनरल रूटीन टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन MRI कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेन ट्रीटमेंट क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का है स्लीप मैनेज, लाइफ स्टाइल चेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक्स, मेडिसिन टू रिड्यूस पेन डिस्कम्फर्ट, या अगर फीवर हो रहा है एनजाइटी एंटी एनजाइटी मेडिसिन, डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, सम एक्सरसाइज, वट एवर इज पॉसिबल। सो ड्रग्स जो होते हैं कभी कभी यूज़ करते हैं ओनली इफ नीडेड। देन पीपल जिसको ये प्रॉब्लम होती है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इनको बोला जाता है जितनी हो सके उतनी एक्टिव लाइफ स्टाइल जिए, माइल्ड एक्सरसाइज करें, माइल्ड भी करेंगे तो भी काफ़ी है, बेड पे भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी काफ़ी है, आपके टाइम को मैनेज करिए, टाइम मैनेज और टाइमिंग रखिए, सही टाइम पे खाना खाइए। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है, बायोफीडबैक, डीप ब्रीदिंग, हिप्नोसिस, मसाजेस, मेडिटेशन, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड योगा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं और ये आपको फील गुड भी कराएंगी और इस चीज़ में भी हेल्प करेंगी। लॉन्ग टर्म जिसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम रहता है उनको फिर कहीं ना कहीं एनजाइटी या डिप्रेशन आने लगता है, इसलिए एंटी एनजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन बाद में शुरू करनी पड़ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस हैं डिप्रेशन, एनजाइटी, घबराहट, है ना, साइड इफेक्ट्स ऑफ जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट्स आने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो याद रखिए, सो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम इज़ अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग टू हैव इन योर लाइफ। अगर किसी को है तो उसको सपोर्ट ज़रूर करना है और आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता मिले और पता चले। थैंक यू सो मच, दिस इज़ डॉक्टर परमजीत, एंड क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, एंड फॉर सिमिलर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।